नमस्कार दोस्तों, आई एम परिधि त्रिवेदी परीख once again in front of you with the detailed solution of previous year's exam paper of IBPS clerk and this is the part 3 of the video। हमने टोटल 3 पार्ट इस वीडियो के बनाए हुए हैं। पार्ट 1 1 to 10 क्वेश्चंस, पार्ट 2 11 से 20 क्वेश्चंस के बारे में बात करता है एंड पार्ट 3 21 से 35 क्वेश्चंस के बारे में बात करता है। अगर आपको मेरे ये सारे वीडियोस अच्छे एंड इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं और आपको लगता है कि इससे आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हो सकता है तो आप मेरा YouTube चैनल परिधि त्रिवेदी परीख सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन प्रेस द बेल आइकन टू। बेल आइकन दबाने से आपको हमेशा जब भी मैं ऐसा कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और उस वजह से आप तुरंत उसे देख पाएंगे। सो क्वेश्चन 21 से शुरुआत करते हैं। 1 से 20 के क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में देख लिए हैं। दिस इज पार्ट 3 एंड यस दिस पार्ट 3 21 से 35 ये सारे क्वेश्चंस न्यूमरेसी एंड एप्रोक्सीमेशंस के लॉजिक के ऊपर आधारित हैं। नाउ इसे हम ध्यान से देखते हैं। 73.96 minus 18.19 that is 18.19 plus 17.47 is equals to x प्लस 10.91। नाउ मैं इसको द सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली कर लूँ। 73.96 में 74 ले लूँ, 18.19 में 18 ही ले लूँ क्योंकि अगर 0.5 से ज्यादा है तो मैं नेक्स्ट इंटीजर लूंगी, अगर 0.5 से कम है तो मैं वही का वही इंटीजर लूंगी पॉइंट हटा के। 17.47 को मैं 17 ही ले लेती हूँ और क्योंकि ये 10.9 है ये इक्वल टू 11 है और उसको इस साइड ला के मतलब -11 करके क्वेश्चन मार्क को x लिख रही हूँ। अल्टीमेटली 74 minus 18 plus 17 minus 11 gives me 62। सो 62 के करीब मेरा आंसर होगा 62.33। दैट्स माय आंसर। सो यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन से जगह हम अप्रोक्सीमेटली कर ले सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस काफी दूर दूर थे तो आई कैन मैनेज। दूर दूर इन द टर्म्स ऑफ 62 से मेरा आंसर कुछ ज्यादा ही होना चाहिए था तो 62.33 मेरा आंसर हो सकता है। नाउ 345 प्लस 25 into 0.8 that is 0.80 minus 11 is equals to x that is question mark। Now 0.8 is nothing but 4/5 फ्रैक्शन का नॉलेज हमने यूज किया। सबसे पहले बॉडमास ब्रैकेट ऑफ डिविजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिविजन नहीं है, पर मल्टीप्लीकेशन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फिनिश दिस प्रोसीजर विच गिव्स मी 20। 345 plus 20 minus 11 is 354. My answer is A, 354. Now 26% of 450. ये question है minus x is equals to 12% of 150. ये question है यहाँ पे दिया गया। नाउ 26% में ऐसे कुछ कैलकुलेट कर सकती हूँ। 10% 45, 26% ऑफ 450 में ऐसे कैलकुलेट कर सकती हूँ। 10% ऑफ 450 इज 45, 10% इज 45, 5% इज 10% का आधा दैट इज 45 का आधा 22.5, 1% इज 10% में से 1 पॉइंट हटा के 4.5। तो ये टोटल मिला मुझे 26% विच इज 117। सिमिलरली 12% ऑफ 150 मैं कुछ इस प्रकार करूंगी। 10% ऑफ 150 इज 15 एंड 2% ऑफ 150 इज 3 क्योंकि 1% हो जाएगा 1.5 तो 2 हो जाएगा 3। सो 12% बिकम्स 18। सो बेसिकली ये हो जाएगा 117 माइनस x इज इक्वल्स टू 18। बेसिकली x हो जाएगा 117 माइनस 18 दैट इज 99। सो माई आंसर इज ऑप्शन डी 99। 24 36% ऑफ 650 माइनस 14% ऑफ 560 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नाउ वंस अगेन 36 के लिए 10% ऑफ 650 65, 10% 65, 10% 65, 10 का आधा 5, 65 का आधा 32.5 एंड 1%, 10 में से एक जीरो काटा 6.5, इसका समेशन किया 36 इज इक्वल 36% ऑफ 650 इज 234. सिमिलरली 14% ऑफ 56, 14% ऑफ 560, 10% इज 56, 1% इज 5.6 और वो चार बार ही ऐड किया. सो ये बेसिकली 14% 78.4 मिल गया. सो 234 माइनस 78.4 इज 155.6. ऑप्शन डी इज द आंसर. 25. यहाँ पे सीधा बॉडमास का रूल है. क्वेश्चन इज 27 इंटू 5 प्लस 167 माइनस 32 इज इक्वल टू एक्स माइनस 113. तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन 27 5 इज 135 प्लस 167 माइनस 32 एंड ये 113 इस साइड आ गया. दैट मीन्स प्लस 113. तो अल्टीमेटली एक्स बिकम्स 383. ऑप्शन सी. Now question 26. This is nothing but simple addition and subtraction. 4343 is my answer. But then अगर आपको थोड़ा सा और समझना है तो देखो ये 8 है. 8 minus 5 is 3. 3 plus 4 is 7. और ये 4 इस साइड आएगा तो माइनस होगा. 7 minus 4 is 3. तो my answer would always have 3 as my unit digit, जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है. तो my answer would be option D. 27. 264 divided by under root of 576, which is equals to 24, plus 11 square, that is equals to 121, plus 12 is equals to x square. Now 264 divided by 24 is 11. So that means 11 plus 121 plus 12 is equals to x square, which is equals to 144. So x is equals to 12. सिंपल एडिशन है. इसके अंदर भी आप इसको ऐड करके सीधा आंसर निकाल सकते हैं. तो आंसर इज 6894. 29th. 92 into 576 divided by 2 into under root 1296 is equals to x cube plus under root 49. Now under root 49 is nothing but 7 और क्योंकि ये प्लस साइन है साइड चेंज करने के बाद माइनस साइन हो जाएगा. ये डिविजन है, ये डिवाइड डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो अल्टीमेटली ये 92 इंटू 576 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 36 जब मैं सॉल्व करूंगी और उसमें से 7 माइनस करूंगी तो मुझे 729 मिलेगा. सो एक्स क्यूब इज 729. सो एक्स इज इक्वल्स टू 9. माई आंसर इज ऑप्शन सी. 30th क्वेश्चन. 15 स्क्वायर ये क्वेश्चन दिया गया है. Now 15 square is 225 minus 5 cube is 125 plus under root 625 is plus 25 plus 44. Sum होता है 169 x square, which is equals to basically x square. So x square is equals to 169. So x is equals to 13. Answer is option D. 31st question. 64% of 750 divided by 4 is equals to x divided by 5. सिंप्लीफाई करना है. 64 इंटू 750 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू एक्स बाई 5 और सिंप्लीफिकेशन के बाद x मुझे मिल रहा है 600. सो माई आंसर इज ऑप्शन डी 600. 32 क्वेश्चन दिया गया है जो इस प्रकार है. 68 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 3421 इज इक्वल्स टू 591. तो 68 अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 591. ये 3421 के सामने माइनस साइन था, साइड चेंज करने के बाद प्लस होगा. नाउ इसके बाद हम वन डिजिट मेथड यूज कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपको वन डिजिट मेथड नहीं पता है तो मेरा एक वीडियो जिसका नाम है न्यूमरेसी वो प्लीज देख लीजिए और इस न्यूमरेसी का मैंने लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है. अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो ये जो मैं अभी समझा रही हूँ ना वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आ रहा है तो आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए और नहीं आ रहा है तो सबसे पहले न्यूमरेसी का वीडियो देखिए जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और उसके बाद ये वाला एक्सप्लेनेशन पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। अभी देखो ये है 6 8, 6 + 8 = 14 एंड 1 + 4 = 5, सो 5 रूट x हो गया। नाउ 9 को मैंने अवॉइड किया, 5 + 1 = 6 एंड ये 3 + 4, 7 + 2 9, इसको अवॉइड करके बचा 1 तो ये हुआ 1, 6 + 1 = 7, सो 5 √x हैज टू बी 7। नाउ अभी ऑप्शन से चेक करो, अभी ये सारे जो है अगर मैं उसे अंडर रूट करूं 3249 का अंडर रूट होता है 57, फिर उसके साथ मैं 5 को मल्टीप्लाई करूं तो उसका 1 डिजिट मुझे 7 मिलना चाहिए, तो 5 + 7 = 12, 1 + 2 = 3, 5 × 3 = 15, तो इट इज 6 which is not equals to 7. My focus has to be on 7. मुझे फाइनल आंसर 7 मिलना चाहिए। ऑप्शन का अंडर रूट इंटू 5 का 1 डिजिट जब मैं कन्वर्ट करूं तो मुझे 7 मिलना चाहिए, जो फर्स्ट ऑप्शन में डेफिनेटली नहीं मिल रहा है। नाउ सेकेंड ऑप्शन 3481 का अगर मैं अंडर रूट करूं तो मुझे 59 मिल रहा है, 9 + 5 = 14, 1 + 4 = 5 एंड 5 × 5 = 25, तो 2 + 5 = 7, yes, ये 7 मिल रहा है, ये मेरा आंसर हो सकता है। अगर कोई दूसरा 7 नहीं हुआ तो ये मेरा आंसर हो सकता है, बाकी अगर 2 में वैल्यू 7 मिलते हैं तो मुझे फिर से उसका एक आगे का प्रोसीजर करना पड़ेगा, बट फिलहाल के लिए ये हो सकता है। फिर ऑप्शन सी चेक करते हैं, 3364 अंडर रूट करते हैं, 5 √58 है, 5 + 8 13, 1 + 3 = 4, 4 × 5 = 20, तो 2 + 0 1 डिजिट इज 2, तो डेफिनेटली ये मेरा आंसर नहीं है, फर्स्ट वाला भी नहीं था। 3136 का अंडर रूट होता है 56, 5 + 6 = 11, 1 + 1 = 2, 5 × 2 = 10, तो 1 डिजिट मिला 1, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। मुझे 1 डिजिट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में 7 मिला है, तो माई आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 3481। अगर आपको ये मेथड समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत फास्ट और इजी तरीका है कोई भी न्यूमरेसी के डिफिकल्ट क्वेश्चन या फास्ट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन फास्ट करने के लिए। पर ये अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज मेरा न्यूमरेसी का वीडियो एक बार ही देख लीजिए, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी और ऐसे क्वेश्चन आप बहुत फास्ट भी कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, √18 + √32 - √50। अभी यहाँ पे भी एक ट्रिक यूज हुआ है, आपको अगर मैं जो एक्सप्लेन करूँ वो समझ नहीं आ रहा हो कि ऐसे नॉन परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आप मेरा एक दूसरा वीडियो देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। ये जो वीडियो है वो देखने के बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा, इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और अगर आपको ना मिले तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको आराम से मिल जाएगा। नाउ मैं यहाँ पे एक बार ही फिर से एक्सप्लेन जरूर कर दूंगी, रिमूविंग द इंक फ्रॉम हेयर। देखो कोई भी नॉन परफेक्ट में नंबर लेती हूँ, लेट्स से 18, तो 18 से सबसे नजदीक वाला परफेक्ट स्क्वायर में नंबर सोचती हूँ तो वो है 16, 16 + 2 = 18, 16 का अंडर रूट होता है 4, ये प्लस साइन मैं यहाँ पे भी लाऊंगी और ये 2 मैं यहाँ पे भी लिखूंगी, पर 2 के डिवीजन में जो भी ये नंबर है उसका डबल लिखूंगी, तो बेसिकली ये हो रहा है 4 + 1/4, दैट इज 4.25, और मैंने ये 4.25 की जगह 4.2 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लिखा है। लेट्स से 32 ले लेते हैं, अंडर रूट 32, तो सबसे नजदीक परफेक्ट स्क्वायर है 25, तो अंडर रूट 25 प्लस 7 हो जाएगा। 25 का अंडर रूट होता है 5 प्लस 7 का 7 लिखना पड़ेगा, पर 7 के डिवीजन में ये जो 5 मिला है उसका डबल लिखना पड़ेगा, 5 into 2। दैट मीन्स 5.7 वुड बी अंडर रूट 32। सेम वे में अंडर रूट 50 इज अप्रोक्सीमेटली 7, और ये परफॉर्म करने के बाद मुझे ये इक्वल टू 2.9 मिल रहा है, मतलब 3 के करीबन 2.9, 2.83 उस हिसाब से कुछ मिल रहा है। नाउ ऑप्शंस मैंने लिखे हैं 2 रूट 2, रूट 2 इज 1.41 का डबल 2.84, 4 रूट 2 1.41 इंटू 4 5.64, 3 रूट 2 4.23 एंड रूट 2 इज 1.41। ये चारों की जो वैल्यू है वो ये जो मेरी 2.9 वैल्यू है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए फॉल करता है, बाकी की सारी वैल्यूज जो हैं वो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। सो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 रूट 2। इसको फैक्टर्स के तौर पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 18 क्या फैक्टर निकाल सकते हैं, फिर 32 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं, 50 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स ले सकते हैं, फिर एडिशन डिलीशन कर सकते हैं और फिर आपका आंसर आ सकता है। ये भी एक मेथड है, वो देखना चाहे तो वो भी मैं दिखा सकती हूँ आपको, पर फिर भी ये एक सही मेथड रहता है। मैं काफी बार इसको यूज करती हूँ और उससे आंसर भी काफी फास्ट आ जाते हैं। आप प्लीज ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्टली स्क्वायर्ड नंबर्स दिया गया है। अभी इसको और कौन से तरीके से कर सकते हैं, तो जैसे अंडर रूट 18 है तो हम 18 के अगर फैक्टर लगा लें तो 9 into 2 के हिसाब से 3 into 3 into 2 हो जाएगा। सो 18 के फैक्टर्स हैं 3 into 3 into 2, ये 18 है, उसका मैंने स्क्वायर रूट किया, प्लस 32 जो है वो 16 into 2 हो जाएगा, है ना, 16 into 2 उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। एंड 50 है वो माइनस 25 into 2 उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। नाउ अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर देती हूं तो 3 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 माइनस 5 रूट 2 ये देगा, है ना। ये अनदर मेथड की बात कर रही हूं। 3 प्लस 4 रूट 2 इज कॉमन, 3 plus 4 is 7 minus 2 is 2 root 2, and which is my answer? 2 root 2 is my answer। तो ये भी एक सही मेथड है, बट द ओनली पॉइंट इज कि यहाँ पे इजीली आप निकाल सकते हो ये रूट वाला थिंग। कोई ऐसा नंबर आ गया जिसका आप रूट नहीं निकाल पा रहे हो इजीली और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन टिक करो, तो इसका ये पॉइंट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जो मैंने आपको अभी पहले वाला मेथड सिखाया उसके हिसाब से आप डेफिनेटली कर पाओगे। सो ये दोनों तरीके अच्छे हैं, आप दोनों तरीके से अपना आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा बॉडमास है। सबसे पहले 72 डिवाइड बाई 8 को 9 बताया और 9 डिवाइड बाई 3 को 3 बताया एंड 41 3 123 बताया, और जो ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस इज माई आंसर। 35 and the last question is again BODMAS। सबसे पहले division, so 48 minus 8 is 6, फिर multiplication 3 into 6, sorry ये 6 है, 3 into 6 वो हो गया 18, so 31 plus 6 minus 18 gives me 19, so my answer is 19। so ये रहा हमारा पूरा क्वांट सेक्शन का सोल्यूशन इन वेरी मच ऑफ डिटेल। इस वीडियो में हमने बहुत से ट्रिक्स टेक्निक्स के बारे में भी बात किया है। आप ये सही से रेडी कर लेंगे पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 सोल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस 1 to 35, तो आपको जरूर काम में आएगा। स्टे ट्यून्ड ऑन www.youtube.com/c/Paridhi Trivedi Parikh, that is my YouTube channel, for more question paper solutions and more math questions and more logical updates। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है then you do give a good thumbs up, and yes do subscribe my channel for regular updates. आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देखा, इसके नोट्स लिए, वो आपको जरूर जरूर काम में आएंगे. Thank you so much for your faith and time. Happy learning.